पड़ताल की, मैं नज़र कोई चीज़ नहीं आई। मैं चलो उन्हें आते हैं, उन्हें आते हैं, बस दुश्मन हथी आ गया, दुश्मन के हथी आ गया। जान लै ली उन्होंने, असं मंदिर गए, मैं कि होना, मैं पैसे मंगे ने उन्होंने को, दिहाड़ी दे अपनी अगले भी कुछ रेंदे से कुछ होते रेंदे सी, उन्हें मैंने पैसे तो उन्होंने मैं मार मार के मेरे पल्ले कुछ ना देने की वजह तो इल्जाम लगा के उन्होंने नाहक कतल कर दिया गया, तशद्दुद कर कर पैसे ना देने की वजह तो उन्होंने कतल कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना कुडिया की हदूद नंदनपुरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक बहन जी मौजूद हैं जिनके मियाँ बिलाल को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और ये कहा गया कि उसे जो वो चोरी करने आया था, चोरी के एवज जो है वो हमने उस पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद ऐसा तशद्दुद के कोई अपने दुश्मन को भी जो वो इतनी बुरी तरह से नहीं मारता। मेरे साथ उनकी जो अहलिया है वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं कि उनके पांच जो सिर्फ बच्चियां ही हैं, ये दो छोटी सी, छह बच्चियां ही हैं, और छह बच्चियों की कफालत अकेले बिलाल करते थे वो, और वो इतने मेहनती और ईमानदार थे कि अलाका मकीनों का कहना कि उस जैसा जो वो इंसान हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं है। उनकी अहलिया से सारी बात सुनते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कौन लोग थे, वो कौन सफाक जालिम दरिंदे थे जिन्होंने इनके सर से शोहर का साया और छः बच्चियों को यतीम कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी, मैंने ये दसो कि तुम्हारी शादी नू कितनी देर हो? 17 साल हो गए ने। 17 साल हो गए ने। और ये जेड़े बिलाल साहब ने तुम्हारे मियाँ मरहूम अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, ये दसना कि उन्होंने, क्योंकि जेड़ी मुलजम पार्टी वो कहंदे ने कि चोरी करन आए सी, बंदे च कोई मसला ही नहीं है सी, बिल्कुल काम ते सीधे जाने सीधे आंदे सी, कोई मसला किसी चीज़ की उन्हें, ना किसी दात्री चोरी, ना किसी चीज़ चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई चोर, ना कोई मसला उन्हें नहीं गा सी, दरवेश बंदा सी, कोई मसला उन्हें किसी गल का नहीं गा सी, इन्हें जो किता साड़े नाल जुल्म किया है। कौन लोग ने और ये तशद्दुद किया है, तुहाडे पिंड दे ही ने या किसी दूसरे पिंड? दूसरे पिंड ने, साडे पिंड ने, खुड़िया चो चोर कोट उत्थे मसला इहदा होया है, पर खैर इस्लाम दी गए रोटी 8 बजे खुआ तो खुआ पिया तो कल्या है, ठीक सी बिल्कुल, कोई मसला उन्होंने नहीं आया, बिल्कुल ठीक सी, मजदूरी करी जिसे मजदूरी होंगी सी उत्थे घर आना सी, जाते जिते काम लभ्या उत्थे कर लिया, बिल्कुल ठीक सी सही। मतलब ये रूटीन चू डेली जाते मजदूरी ते या किसी होर भी जाते सी? चले जाते सी, कहीं होर भी चले जाते सी, कभी ठीक मोन लग गया, कभी खुड़िया लग गया, कभी कितने लग गया, मजदूर बंदे देखो ही काम होंगे। मतलब जिते उन्होंने रोजगार का सिलसिला अपने बच्चिया के कफालत वास्ते जिते भी उन्होंने रिज़्क़े हलाल लगता सी उत्थे चले जाते, उत्थे चले जाते सी, जिते काम लग जाता उत्थे चले जाते सी, खुड़िया लग गया, ठीक मोन लग गया, ढेंगशा लग गया, जिते भी लग गया चले जाते सी काम करना। ये सानू दसो कि जिहड़े सफाक दरिंदे ने जिन्होंने बड़ी बेरहमी नाल उन्होंने मार मार के तशद्दुद करके उन्हां दी मौत वाकया हो गई, वो कौन लोग सन, की नाम है उन्होंने? डोगर आजाद सुनिया ने, डोगर आजाद दे, डोगर आजाद दे के बिलाल दी मौत वाकया हो गई, वो घर नहीं सी आए या कुछ तुसी वैसे किसी ने होर ने इतला की? घर बड़ी रात पड़ताल बहुत ज्यादा की थी, सुबह थाने तला आई, सू पता लग्या 9 बजे सुबह पता लग गया घरों तला आई। मतलब एक दिन पहले जो घरों जाते ने मजदूरी से, बुधवार दिन 8 बजे जाते ने, खाना शाना खा के गए ने, शाम रोज आ जाते सी, उस रात लेट हो गए, मैं सारे पासे पड़ताल की, मैनू नज़र कोई चीज़ नहीं आई, मैं चलो उन्हें आते ने, उन्हें आते ने, बस दुश्मन हथी आ गया, दुश्मन के हथी आ गया, जान लै ली उन्होंने, अगे आम रूटीन चु किन्ने बजे घर आ जाते? शाम निजान वाले घर आ जाते सी, शाम निजान वाले घर आ जाते सी, 11 बजे तक 12 बजे तक मैं इंतजार किया हों, मैं वो नहीं आए, परेशानी रही उन्होंने मैंने मार मार के मेरे पल्ले कोई चीज़ नहीं छड़ी, तो नाल इल्जाम लाता ने चोरी का, मैं साढ़ा पंप चोरी करना आया सी, कोई डकैती मैं कहनी सी, कोई चोर नहीं सी, उस साढ़े जाने पहले पुलिस वाले तला पड़ गई सी। अच्छा, इस तो पहले बिलाल साहब ने कभी कोई चोरी का मतलब कोई मोहल्ले चू या कि अगे पिछे या कभी इन्हों की कोई FIR हुई हो? आंढ गुआढ़ पुछ सकते जे
कोई मसला नहीं, कोई गल नहीं, कोई कुछ चोरी अज तक नहीं उन्हें की थी, आज तक ठीक है। इन्होंने इल्जाम लाया है, पैसे मंगे सब इन्होंने बावजूद इल्जाम लाता ने फड़ के भी तू चोरी करना आया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे ना देने की वजह तो इल्जाम लगा के उन्हें नाहक कतल कर दिता गया, तशद्दुद कर कर पैसे ना देने की वजह तो उन्हें कतल कर दिता, नाहक करता, बुरा हाल किया ने। उस तो बाद जो 15 से कॉल हो चुकी थी, पुलिस कितनी देर बाद उत्थे पहुंच गई थी? फौरन ही पहुंच गई थी पुलिस, फौरन पुलिस पहुंच गई थी उत्थे। फिर जो पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश नू कब्जे चु लिया, उतों कोई मुलजम भी गिरफ्तार किए कि नहीं? हाँ जी किए, तीन मुजरम गिरफ्तार किए उन्होंने, तीन मुलजम फौरी गिरफ्तार कर ले। पुलिस का जो रवैया है हुण तक तुहाडे नाल किस तरह का, पुलिस तुहाडे नाल तावन करदी पई कि नहीं कर? करदी पई है, पुलिस तावन कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਮੈਨ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਮੈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਦਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਫਾਕ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਹਿ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਹਿਣੀ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸਟਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਨੇ बिलाल की अहलिया की बात सुनी, ये छोटी छोटी मासूम जो है आप मेरे अकम में देख सकते हैं, उनकी 6 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, और इन बच्चियों का अब कौन वाले वारिस बनेगा? हमारी तमाम आला हुक्मरान और खसूसन वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि खुदा रा इस वाक़या का नोटिस लेते हुए इन 6 बच्चियों की कफालत का भी गवर्नमेंट कोई ज़िम्मा ले और इन सफाक दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा कोई ऐसा अमल करने से अपने आप को अपने आप पर सोचे कि अगर मैं किसी को ऐसे नाहक कत्ल करूंगा तो मुझे भी वो सज़ाए मौत हो सकती है। सज़ाए मौत के लिए जो अदालतों को चाहिए और पार्लियामेंटेरियन को खुसूसन चाहिए कोई ऐसा कानून अपनाया जाए पाकिस्तान में भी। हमारा इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आलमबरदार हैं, लेकिन इस्लामी कवानीन से हमारा जो निज़ाम है अभी तक बिल्कुल भी ना वाकफ है। ऐसा कानून अपनाया जाए जिसमें सरेआम फांसी दी जाए और इन मुलजमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।